आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी वो चीज़ है जो हमें बीमारी से बचाती है। और आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ इम्यूनिटी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो होता है वो हमेशा आपको प्रेजेंट रहता है थ्रू द बर्थ, बाय बर्थ दे प्रेजेंट, बाय बर्थ दे प्रेजेंट। उसी को हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इस इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता है? एनाटॉमिकल बैरियर, आपका एनाटॉमिकल बैरियर भी है, और फागोसाइटिक बैरियर, कुछ फागोसाइट साइट सेल होते हैं जो आप में वो होस्ट इंटर करता है, होस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन इंटर द एक्टिव ऑटोमेटिक। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर कुछ खींचा गया है जो सेमी परमेबल, कुछ ही परमेबिलिटी हो पाती है। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी आपका जब घाव काट छाट लगता है तो आपका शो करता है, वुंड में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद सूजन आता है, वो सूजन को ही इन्फ्लेमेटरी बैरियर बोला जाता है, जिससे कारण से पैथोजन इंटर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो होती है आपकी एडेप्टिव होती है। ये वैक्सीन लगवाने पर प्राप्त होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यू टू लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे, इसका 100% चांस भी नहीं होता। और यही एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी और मेडिएटेड इम्यूनिटी में विभाजित किया गया है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आशा करते हैं आप तक जो जो हमने पढ़ाया है सही पढ़ाया होगा, अच्छा पढ़ाया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।